सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति, और दोस्तों घर गृहस्थी में आज फिर से बारी है एक हैशटैग शी वीडियो की। हैशटैग शी सीरीज में हम आपके लिए लाते हैं ऐसे वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, और ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप दूसरों से डिस्कस नहीं कर पाती पर मुझसे पूछ सकती हैं। तो हैशटैग शी सीरीज के सभी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फर्स्ट कमेंट में लिंक है, वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं। तो इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इजी तरीका, आसान तरीका ब्रेस्ट टाइटनिंग का। मैंने आपको पहले भी वीडियो बना कर दिए, पर उसमें आपको कुछ ना कुछ चीजें बनानी थी और करनी थी। और काफी कई बार लोग कहते हैं कि अरे शिया बटन नहीं मिल रहा है, ये महंगा आता है, या अनार के छिलकों का पाउडर कहाँ से लाए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे आप ब्रेस्ट टाइटनिंग कर सकते हो। आप अपने ब्रेस्ट में कसाम ला सकते हो, फिर से उन्हें टाइट बना सकते हो, यंग जैसे होते हैं लोग उनके ब्रेस्ट की तरह बना सकते हो अगर आपकी उम्र बढ़ गई है, आपको लगता है कि ब्रेस्ट लटकने लगे हैं तो। लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम था कि ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान उपाय बता रही हूँ कि आप एलोवेरा को कैसे यूज़ करें ब्रेस्ट टाइटनिंग के लिए। ये जो रेमेडी बता रही हूँ इससे आपके ब्रेस्ट टाइट भी होंगे और उनमें कसाव भी आएगा। तो अगर उम्र बढ़ने से लटक गए हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी, किसी भी कारण से आपके ब्रेस्ट का शेप और साइज खराब हुआ है तो वो सही होगा। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे कि मेरे ब्रेस्ट साइज छोटा है या मेरा ब्रेस्ट साइज बड़ा है, मैं करूँ या नहीं करूँ, ये सब लोग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसके लिए रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज नहीं करना है, फ्लैश एलोवेरा जेल यूज करना है जो प्लांट से मिलता है। तो आप एक एलोवेरा जेल का पत्ता अपने घर में अगर आपके यहाँ लगा हुआ है या आसपास कहीं लगा है तो ले लीजिए, और उसका ऊपर का ग्रीन छिलका छील लीजिए। आई थिंक ये सबको आता है तो इसलिए मैं करके दिखा के टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अब आपके पास वो ट्रांसपेरेंट वाइट जेल निकल आएगा, इसको आप मिक्सी में डाल के चला लें या चम्मच या फोक की हेल्प से थोड़ा फेंट लें, क्योंकि ये तो टुकड़ा जैसा होगा। आप थोड़ा इसको मैश कर लें। मैश करने के बाद आपको सर्कुलर मोशन में यानी कि गोलाई में हाथ चलाते हुए अपने दोनों ब्रेस्ट पे इस एलोवेरा जेल की मसाज करनी है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हर एक ब्रेस्ट पे, 10 मिनट्स दोनों ब्रेस्ट पे, मतलब 10 मिनट एक पे, 10 मिनट एक पे। तो आप एक साथ ही कर लेंगे अपने दोनों हाथों से। तो 10 मिनट आपको करनी है एलोवेरा जेल की मसाज, और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही लगा छोड़ देना है। अब 10 मिनट के बाद आपको हल्के से गुनगुने पानी ये उपाय आप दिन में एक बार कर सकते हो या एक से ज्यादा बार भी कर सकते हो, और आपको तब तक करना है जब तक आपको अपना मनपसंद डिजायर रिजल्ट नहीं मिल जाता। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको आप डेली लाइफ में ध्यान रखें कि कैसी ब्रा पहननी है, क्या कैसे पोस्चर में आपको बैठना चाहिए। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका ब्रेस्ट साइज कभी भी खराब नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट में जरूर देख लीजिएगा टिप्स के लिए। अब दूसरा उपाय जो आप एलोवेरा से कर सकते हो वो ये है कि आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा का जेल 1 चम्मच, 1 चम्मच आपको लेनी है मेयोनीज, और 1 चम्मच ही आपको लेना है शहद। तीनों को आप बराबर मात्रा में लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस उपाय में आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी कोई बहुत अच्छी कंपनी का प्योर हो तो यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर ये उपाय आपको बता रही हूँ तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पतंजलि का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको डेली चाहिए तो ज्यादा चाहिए तो वो सस्ता भी आता है और वो 99% प्योर है, ऐसा वो क्लेम भी करते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा लोग पास अवेलेबल होता है, बाकी आपकी चॉइस है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो कि फ्रेश एलोवेरा जेल तो सबसे ज्यादा फायदा करता है, कोई भी मार्केट वाला उसके बराबर तो आपको फायदा नहीं दे सकता। और मेयोनीज मार्केट में आसान से किसी भी आपको परचूनी की दुकान पे जहाँ पे किचन का सामान मिलता हो मेयोनीज मिल जाएगी, और 1 चम्मच शहद आप मिला लें। तो तीनों को मिलाने के बाद एक पेस्ट जैसा आप बना लेंगे, और इस पेस्ट को आपको अपने दोनों ब्रेस्ट पे 15 मिनट के लिए अप्लाई करना है। अच्छे से पूरे ब्रेस्ट को आप इस पेस्ट से कवर कर लीजिए 15 मिनट के लिए। इसमें आपको मसाज नहीं करनी है, और 15 मिनट बाद आप इसको थोड़े हल्के से गर्म पानी, जितना आप स्किन पे सह सकें उतने गर्म पानी से वॉश करिए, और तुरंत ही फिर आप बिल्कुल ठंडे पानी से वॉश करिए। ये गर्म पानी और उसके जस्ट बाद ठंडे पानी से धोना भी आपके जो मसल्स हैं उनको टोन करने में हेल्प करता है, जैसे कि मसाज हेल्प करती है। और बस आप उसके बाद पोंछ लीजिए अपने स्किन को, और कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाकर आप राइट साइज की ब्रा पहन लीजिए। मॉइस्चराइजर की जगह आप ब्रेस्ट टाइटनिंग ऑयल्स जो आते हैं, कोई भी क्रीम आती है वो भी लगा सकते हो, ताकि आपको दोनों फायदा मिले, मार्केट का भी और घर का भी, और फिर आप पहन सकते हैं ब्रा। तो ब्रेस्ट टाइटनिंग क्रीम या ऑयल अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और फर्स्ट कमेंट में भी आप वहां से अपने लिए परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की। तो सबसे पहले तो सही पोस्चर में बैठना आप सीखें। बहुत से लोग बहुत कमर झुका के आड़े टेढ़े हर वक्त बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उस पोस्चर से भी आपके ब्रेस्ट का शेप और साइज खराब होता है और वो ढीले हो जाते हैं।
दूसरा हमेशा राइट साइज की ब्रा पहने, ना बहुत ज्यादा टाइट और ना ही लूज। तो आप अपना ब्रेस्ट साइज हमेशा, जैसे उम्र के साथ बढ़ता घटता रहता है, कभी आप मोटे हो गए या पतले हो गए, इससे भी फर्क पड़ता है। तो जब भी आप नया ब्रा खरीदते हैं तो एग्जैक्टली आप इंची टेप से नापने के बाद ही लीजिए जाके। और अगर आप अच्छे ब्रांडेड स्टोर्स में जहाँ लेंसरीज मिलती हैं जाएंगे तो उनके पास मेजर करने के और भी तरीके होते हैं, वो आपको बता देंगे और आप वहाँ से मेजर एग्जैक्टली करके अपना राइट साइज चुन सकते हो। इसके अलावा अगर आप योगा, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, जिमिंग कुछ भी करते हो, हमेशा स्पोर्ट्स ब्रा पहनो। आप कितनी भी अच्छी की क्वालिटी की ब्रा पहनते हो लेकिन स्पोर्ट्स ब्रा पहनो, खाली आपकी नॉर्मल ब्रा से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा और आपकी ब्रेस्ट सेगिंग हो जाएंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो उससे भी आपकी स्किन खिंचेगी, और ब्रेस्ट आपके बहुत हैवी है तो स्किन डेफिनेट सेगिंग होगी और वो लटक जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वजन कम करें। और इसके अलावा एक उपाय आप कर सकते हैं, जो कुछ ऐसे एक्सरसाइज और योगा होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट एरिया के लिए होते हैं, जिससे ब्रेस्ट आपका अच्छी शेप में रहे और टाइट रहे, वो भी आप कर सकते हो। स्विमिंग एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है ब्रेस्ट को अच्छी शेप में रखने के लिए, टाइट रखने के लिए। तो अगर आपको स्विमिंग आती है तो ज़रूर स्विमिंग कीजिए। और आप अपने ब्रेस्ट को अपलिफ्ट रखने के लिए पुशअप ब्रा भी पहन सकते हो। इस तरह की ब्रा के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने साइज की ब्रा खरीद सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो के नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ। जी हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।